शिल्पा बात तो बहुत होगी लेकिन ना मुला भूख भूख बड़ भूख लगा था। भूख के मारे ना मुल बोले नहीं चाहे। भूख लगा था बहुत ज्यादा। और भूख तो मुला भी लगा था। अच्छा चल ठीक काका भी ये बता मुला ना मुला कुछ 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 मीठा खाए मन लगा। गुड तो मैं तो खाना के सॉल्यूशन निकाल लिया। कैसे आज से किस राजधानी ढाबा। अरे वाह क्या बात है यार नाम सुन के ही मतलब भूख और ज्यादा बढ़ गए। ज्यादा मतलब तो आज से किस राजस्थानी ढाबा। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ से हमर जो सफर है जटवी घटर आने के वहाँ बहुत से खाए की चीज तो मिली। सुन यार पहले पेट पूजा कर लेता ना। चल 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 तो मैं अब मतलब एक मिनट भूख नहीं लगा तू लगा थे ना तो चलो ना चलो ना तो का चीज की वेट कर रहा था। चलो बिल्कुल हमारे आगे है ना अभी आज 21 राजस्थानी ढाबा मां चिकन थीम बिल्कुल राजस्थानी थीम में है। यहाँ पे पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ग्लास यहाँ के चेयर यहाँ के जो दीवार मन पेंटिंग लगे तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल वाइज है। तो बिल्कुल एक नजर एक तरफ भी डालो महारानी अरे वहाँ के राजस्थान के गाँव भी फेमस है। आई लव आरजे 21। अभी यहाँ आए से पहली हमार छुटकी रानी मुस्कान जी हा एक ठनाओ बात कही से थोड़ा सा वो साइड देखू आप मन वो साइड आई लव आरजे 21 जेकर एक साइड में बहुत सुंदर चित्र बने हुए हैं जिला मुस्कान बोलत रही से कि एक मिनट मैं पास जाके बताता हूँ। मुस्कान मुस्कान खुद बोली से कि मैं हूँ और ये मैं हूँ। अब एक खास बात मैं आप मतलब बताना चाहता शायद मुस्कान ध्यान नहीं दी सोई एकर सॉरी मतलब मोर कपल इतना सुंदर है कि दिल खुश हो गए लेकिन मुस्कान के कपल में ध्यान नहीं गे रही से वो एक सही हरे ताकि मैं अपना जवान हूँ जवानी कहीं मैं क्या करूं राम मुझे बुड्ढा मिल गया। तो आप देखता नहीं थी बन सबसे पहली हमार जो आरजे 21 राजस्थानी ढाबा है ऊपर ऑनर से आप मतलब मिलाना चाहूँ तो आवा मिलता जय जोहर भैया। सबसे पहली मैं चाहता हूँ कि आप मन हमार ऑडियंस ला परिचय देवो अपन सोहल जोशी जी। ओके बहुत बहुत धन्यवाद। तो दादा जो आरजे 21 राजस्थानी ढाबा है नाम से तो काफी बढ़िया लगत है तो यहाँ मतलब ये रेस्टोरेंट में का चीज इतना खास है जेकर नाम से राजस्थानी ढाबा बताए गए हैं। इसमें राजस्थानी डिशेस मिलती है राजस्थानी सब्जियाँ पेर सांग भी हो गई राजस्थानी बेसन गट्टा हो गया जी पापड़ की बड़ी सब्जियाँ हो गई दाल बाटी चूरमा हो गया जी जी दाल बाटी चूरमा। अरे वाह मतलब ये यहाँ हमार आज ये 21 राजस्थानी की मेन्यू हर है और स्पेशली जेकर मैं नाम बचपन से सुना था दाल बाटी चूरमा मतलब फेमस राजस्थान की जितना भी डिशेज है सबको यहाँ पे आप मतलब मिली और बिल्कुल यहाँ पे खास बात ये है कि यहाँ पे वहाँ के जितना भी फेमस डिशेज है यहाँ पे आप मतलब मिल गई तो जाए पहले यहाँ पे जरूर विजिट कर लो आप मना। और एक बात और है कि ये रेस्टोरेंट की खास बात कि यहाँ कम से कम रेट में थाली की सुविधा है तो आप मतलब कम से कम पैसा में पेट भर खाना भी मिली और गर्मी के दिन है तो पंखा भी मिली। चलो आप जाओ जो हमारे खाने वाले हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी मजा आ गया खुश हो गए दिल खुश हो गए एक ही पीस में पेट भर गए लेकिन कोई बात नहीं और एक बार ट्राई करते हैं। दादा इसका नाम डोडा बर्फी मैं आप मतलब दिखाना चाहूँ एक नाम है डोडा बर्फी दिला में खाऊं।
फिलहाल तो फिटनेस ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। मिल रहा हूँ रस भरी, अब ये दूध ठंडे है, एक देखा एक मिठा। चने का बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये चने का है, गया तो पेट में छेना छेने का है, सॉरी छेने छेना के एक साथ में हिंदी गोठियात गोठियात में अपन भुला गए रहो। ए हाथ छेना के वैसे तो हमर छत्तीसगढ़िया में गोबर के कहते छेना, मिठाई के भी कहते हैं, कोई बात नहीं। तो टेस्ट जरूर करना आप, मतलब यहाँ रुक के भर खाना खा के जरूर जाने, क्योंकि सफर बहुत लंबा है।